दोस्तों सभी का हमारे YouTube चैनल कानून की बात में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों बात करते हैं, बहुत सारे व्यक्ति सेक्शन 9 का दावा लेकर आते हैं। सेक्शन 9 के दावे में स्पष्ट लिखते हैं कि मैं मेरी पत्नी को लाना चाहता हूं, लेकिन पत्नी आना नहीं चाहती। अब सेक्शन 9 की जो पिटीशन होती है उसमें स्पष्ट लिखा जाता है कि मेरी शादी इस तारीख को हुई थी, इतने साल इतने वर्ष मेरी शादी को गए, एक दो बार मेरे ससुराल आई, ये सारी चीज़ें उस पिटीशन में लिखना पड़ता है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे व्यक्ति सेक्शन 9 का दावा कर देते हैं। सेक्शन 9 का दावा किस लिए किया जाता है? सेक्शन 9 का दावा इसलिए किया जाता है कि आपकी जो शादीशुदा जिंदगी है वो वापस एक जगह या बीत सके, या आप शादीशुदा जिंदगी में एक साथ आप बनाए रखें, या पुनर्स्थापना आपका विवाह जो टूटने की कगार पर है वो वापस स्थापित हो सके, इसलिए सेक्शन 9 का दावा किया जाता है। सेक्शन 9 का दावा करने का औचित्य ये होता है कि जैसे लड़का लड़की को रखना चाहता है लेकिन लड़की लड़के के पास रहना नहीं चाहती, तो सेक्शन 9 रखने के लिए पुनर्स्थापना, विवाह पुनर्स्थापना के लिए दावा लाया जाता है, पिटीशन में स्पष्ट लिखा जाता है। क्योंकि बहुत सारे लड़के दिमाग में ये सोचते हैं कि सेक्शन 9 का दावा करें जिससे कुछ लड़की की तरफ से कुछ ऐसा रिएक्शन आए कि वो रहना चाहती है कि नहीं रहना चाहती। क्योंकि इससे सिंपल बात है, सेक्शन 9 का आप जैसे दावा करोगे उसमें संबंध जारी होंगे, संबंध जारी होने के बाद लड़की की तरफ से कुछ तो जवाब आएगा, जवाब में ये कहेगी या मेरे साथ मारपीट करते हैं, मैं रहना नहीं चाहती। तो रहना नहीं चाहने का मतलब होता है आपको तलाक भी आसानी से मिल सकता है, क्योंकि खुद लड़की ये कह रही है उस जवाब में कि मैं इसके साथ रहना नहीं चाहती, तो आपको तुरंत तलाक मिल सकता है। लेकिन बहुत सारे लड़कियां सेक्शन 9 का दावा करने के बाद बहुत सारे लड़के लड़कियों से परेशान है और लड़की लड़के से परेशान है। बहुत सारी लड़कियां सेक्शन 9 का दावा करती कि मैं रहना चाहती हूं लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे रखना नहीं चाहते। तो सेक्शन 9 का दावा, आप जैसे लड़की किसी भी उसके हस्बैंड पे दावा करेगी तो उसकी तरफ या तो एक्स पार्टी में सेक्शन 9 का दावा डिग्री हो जाएगा या उसकी तरफ से कुछ जवाब आएगा, सारी चीजें होती है। इसके बाद स्पष्ट कर दूं आपको, सेक्शन 9 दावा करने के बाद अगर लड़की 498 का दावा लाती है तो वो झूठा साबित हो सकता है। क्योंकि एक तरफ तो वो ये कह रही कि मैं रहना चाहती हूँ, दूसरी तरफ ये कह रही कि 498 का दावा करके कि मेरे साथ मारपीट करते हैं, दहेज की मांग करते हैं, तो वो सरासर झूठा दावा निकलेगा। क्योंकि दोनों तरफ से आप दावा ला नहीं सकते, एक तरफ से 498 का दावा लाने के बाद भी अगर आप सेक्शन 9 का दावा करते तो वो भी झूठा हो सकता है। क्योंकि दावा आप एक तरफ से ला सकते हो, या तो 498 का दावा ला सकते हो, 498 का दावा भी उस कंडीशन में लाए कि जैसे आपको 15 दिन या 20 दिन पहले आपको घर वाले ससुराल वाले ने आपको धक्का देके आपके साथ मारपीट या दहेज की मांग की है तो आपका चलने योग्य है। लेकिन आप 6 महीने बाद में आकर ये कहते हो कि साहब मेरे मैं 2 साल से घर वालों के पास है, मुझे प्रताड़ित करते हैं, फोन पे करते हैं, तो ये चलने वाला नहीं है। क्योंकि अधिकारी मजिस्ट्रेट ये देखता है कि ये 2 साल से आप पीएर में हो तो आपको कैसे प्रताड़ित किया, किस प्रकार से दहेज की मांग की, आप तो ऑलरेडी आपके पीएर में हो, सारी चीज़ें देखने के बाद देखे जाती हैं। इसलिए तो मैं स्पेशल लड़कियों के लिए कहना चाहता हूँ कि अगर आप सेक्शन 9 का दावा करते हो तो उसके पश्चात आप 498 का दावा ला नहीं सकते। अगर 498 का दावा लाते हो तो लड़के का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आपका दावा झूठा होगा, आपके जो भी तथ्य हैं वो भी झूठे होंगे, क्योंकि आप तो ऑलरेडी जाना चाहते हो और एक तरफ से आप जाना चाहते हो, दूसरी तरफ से आप 498 का दावा करते हो, तो ये सब फर्जी माने जाएंगे। इसलिए दोस्तों अगर आपके साथ ऐसा होता है, आपके साथ सेक्शन 9 का दावा करने के बाद 498 का दावा लाते हैं, तो आपकी वो पिटीशन की कॉपी या कोर्ट में जो भी चल रही है उसकी ऑर्डर शीट निकला के आप संबंधित थाने में दे सकते हैं, जिससे आपके मुकदमे में FIR भी लग सकती है, मुकदमे में आपको मुलजिम बनाने से बच सकते हैं। इसलिए दोस्तों इस प्रकार से अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि एक साथ दो दावे नहीं कर सकते, एक तरफ तो आप जाना चाहते हो, दूसरी तरफ 498 का दावा कर रहे हो, तो ये गलत है। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।